थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम और आज से हम शुरू करने वाले हैं टोनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट सीरीज, जिसके बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में मेंशन किया था। इसमें हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, हम वेट ट्रेनिंग करेंगे, और उससे पहले हमें ये एक्चुअली समझना पड़ेगा कि हम ऐसा क्यों करेंगे। क्यों इसलिए करेंगे? क्योंकि जब भी हम मेंशन करते हैं टोन फिजिक या टोन बॉडी, उसका मतलब होता है टोन मसल्स। जी हाँ, टोन कभी भी स्किन में नहीं होती है, स्किन में इलास्टिसिटी होती है। जो टोन होती है वो मसल का कैरेक्टर होता है, मसल्स में ही टोन होती है जो हमारी बॉडी को एक अच्छी शेप देती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने मसल्स को ट्रेन करना पड़ता है, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना पड़ता है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हो रहे हैं तो मैं आपको सिंपली समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम बिना वेट के फ्री स्क्वाट करते हैं, लेकिन अगर उसी स्क्वाट को हम थोड़े वेट के साथ परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे मसल के लिए एक स्टिमुलस होता है, ज्यादा वर्कलोड होता है, जिससे कि वो मसल और स्ट्रांग और टोन होता है। तो इसलिए टोन बॉडी अगर आपको चाहिए तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे आप कोई नेगोशिएशन नहीं है, वो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अपने वर्कआउट को प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करने से पहले हमें बेसिक फॉर्म समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बैड फॉर्म के साथ, अगर आप बैड टेक्निक के साथ अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आपको इन फ्यूचर आपके लिए इंजरी का कारण बन सकता है, आपके जॉइंट पेन का कारण बन सकता है, उल्टा आपको फायदा पहुंचाने की जगह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक और चीज कि अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपका कोई भी साइज है, आप ओवरवेट है, अंडरवेट है, किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, कोई भी आपकी एज है, आप ये वर्कआउट शुरू कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज रेजिम होती है जो किसी भी एज, किसी भी जेंडर में फॉलो की जा सकती है, प्रोवाइडेड कि अगर आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया है कि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब अगर आपको कोई अंडरलाइन मेडिकल इश्यू है तो आप जरूर अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, उसके बिना वर्कआउट मत करिए। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल फिट हैं तो आप कभी भी इस वर्कआउट को शुरू कर सकते हैं। हम अपने वीक के प्लान की तरफ, तो वीक का जो प्लान है उसमें, जो आपका वीक वन है उसमें 3 सेशंस होंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के, 2 सेशंस होंगे कार्डियो के और 2 होंगे आपके रेस्ट डेज। क्योंकि हमें स्लोली प्रोग्रेस करना है, इसलिए आपके जो तीनों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशंस होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी डे बाय डे। फॉर एग्जाम्पल, आज संडे है, अगर आप कल से शुरू करना चाहते हैं तो आज का वर्कआउट आप मंडे को स्टार्ट करिए, ट्यूसडे आप कार्डियो करिए, वेंसडे को आप फिर से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, थर्सडे कार्डियो करिए, फ्राइडे को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सैटरडे संडे आप रेस्ट डेज। वर्कआउट को शुरू करने से पहले हमें वार्म अप करना बहुत जरूरी है। वार्म अप का ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप प्लीज जाके वहां से उसे देखिए। और वार्म अप के बिना बिल्कुल भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट मत करिए, क्यों ये भी मैं आपको उस वीडियो में मेंशन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। और हमारे जो तीनों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशंस हैं वो फुल बॉडी सेशंस होंगे। ये मैंने फुल बॉडीज इसलिए रखे हैं क्योंकि ये वीक वन है, इसमें हमें बेसिक एक्सरसाइजेस सीखनी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की प्रॉपर टेक्निक के साथ। और फुल बॉडी वर्कआउट करने के फायदे जो होते हैं, वो बॉडी कंडीशन करता है, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड लेने के लिए। अगर आपका बॉडी कंडीशन नहीं है तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, फिर आप डिस्करेज हो सकते हैं और अपना रेजिम बीच में बंद कर सकते हैं, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो इसलिए आप बेटर कंडीशनिंग के लिए फुल बॉडी वर्कआउट करें और अपने जॉइंट्स को ओपन करें और अपने कैलोरीज को ज़्यादा से ज़्यादा बर्न करें, क्योंकि जब भी हम फुल बॉडी वर्कआउट करते हैं हमारे कैलोरीज नेचुरली ज़्यादा बर्न। दूसरी बात कि आपको किस इक्विपमेंट की ज़रूरत है। अगर आपके पास डंबल है तो बहुत अच्छी बात है, आप डंबल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो ऐसा 1 kg का कोई भी बॉटल, आप 1/2 kg भी ले सकते हैं, आप 2 kg भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि हमारा फर्स्ट वीक है तो इसलिए हम बहुत ही इजी जाएंगे, और जितना आप लाइट वेट, जितना आप कॉन्फिडेंटली जितना आप वेट ले सकते हैं उतना ही हम वेट लेंगे। दूसरी चीज़, इसके लिए आपको एक नॉन स्लिपरी सरफेस चाहिए। जी हाँ, या तो आप अपने पैरों के नीचे एक योगा मैट यूज़ करिए, या फिर आपके पास अगर मैट नहीं है तो आप अपने शूज़ वेयर कीजिए, आपके रनिंग शूज़ या ट्रेनिंग शूज़ आपके पास है उन शूज़ को लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पैर स्लिप होंगे वेट उठाते वक्त, स्क्वाट करते वक्त, तो आपको इंजरी होगी और फिर हम नहीं चाहते कि आपके वो दिन वेस्ट हो और आप अपने पीछे रह जाएं अपने एम को अचीव करने में, इसलिए उसका फायदा नहीं है। तो वेट और नॉन स्लिपरी सरफेस, आइदर योगा मैट और योर शूज, देन यू आर गुड टू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। वेट को उठाते वक्त आपका जो रिस्ट है वो हमेशा न्यूट्रल रहेगा, हमेशा टाइट रहेगा,
टाइट का मतलब ये ऐसे या ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। जब से आपने जमीन से वेट उठाया, ऊपर लाया और नीचे लेके गए, आपका रिस्ट कभी भी अपनी पोजीशन लूज नहीं करेगा, हमेशा न्यूट्रल, न्यूट्रल मींस स्ट्रेट इन लाइन में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हम अपनी एक्सरसाइज की फॉर्म पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं जो कि करना चाहिए, लेकिन हम रिस्ट के बारे में भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि ग्रेविटी के फोर्स से रिस्ट की पोजीशन चेंज होती है इस तरह से, और इन फ्यूचर हमें रिस्ट पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाने लगती है। हम अपने वेट्स को उठा सकते हैं लेकिन रिस्ट पेन की वजह से हम नहीं उठा पाते। तो प्लीज ये गलती मत करिएगा, अपने रिस्ट को टाइट न्यूट्रल रखिएगा। जब तक वेट आपके हाथ में है, नीचे से लेके ऊपर साइड में, कभी भी अपने रिस्ट को लूज नहीं छोड़ना है। तो चलिए ये वर्कआउट हम शुरू करते हैं। वेलकम टू द वॉइस ओवर। फर्स्ट एक्सरसाइज इज स्क्वाट। इसके लिए आप अपने पैरों को शोल्डर विथ डिस्टेंस पे रखना है। उसके बाद आपको अपने सबसे पहले आपका जो बैक है उसको नीचे झुकाना है। इस तरह से आपका बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। उसी पोजीशन में आपको ऊपर उठना है और ऊपर उठने के बाद अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करना है। उसके बाद फिर से पीछे जाना है, फिर उठना है और ग्लूट्स को स्क्वीज करना है। अगेन आपको आपके नी जो है वो टोज को क्रॉस नहीं करने चाहिए बैठते वक्त। इस फॉर्म का आपको ध्यान रखना है। ग्रैब योर वेट्स। जो मॉडिफिकेशन है, अगर आप पूरा स्क्वाट नहीं कर सकते हैं तो मैंने दिखाया है आपको बॉक्स स्क्वाट या चेयर स्क्वाट करना है। ये थोड़ा इजी लेवल है। अगर आप फुल स्क्वाट नहीं कर सकते उस सिचुएशन में आपको ये करना है। ये हमारा फर्स्ट सेट है। अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, आपके जो नीज हैं वो टो की लाइन में रहनी चाहिए, उससे आगे नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर आप डीप स्क्वाट करते हैं तो अगर आपका नी आगे जा रहा है, याद रखिए सिर्फ और सिर्फ डीप स्क्वाट में आगे जा सकता है। लेकिन अगर आप पैरेलल टू आपके थाइज जो हैं, अगर वो ग्राउंड के पैरेलल हैं, तो आपका नी आपके टोज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। याद रखिए हमेशा बैक को पहले नीचे झुकाएंगे, उसके बाद आप अपने नीज को बेंड करेंगे। बीच में आपको ब्रेक लेना है। ये हमारा सेकंड सेट है। ग्रैब योर वेट्स। इसमें मैंने दोनों बॉटल्स लिए हैं। दोनों बॉटल्स अगेन बॉडी स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, बेंड डाउन। सबसे पहले अपने बैक को, अपनी हिप्स को नीचे झुकाना है, अपने नीज को बाद में बेंड करना है। 10 रेप्स हर सेट में करने हैं आपको। 3 सेट हैं हमारे 10-10 रेप्स के। उनके बीच में आप ब्रेक लेना है आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन याद रखिए आपका ब्रेक जो है वो 1 मिनट से ज़्यादा और लंबा ना हो तो बेटर है। बाकी आप डे 1 है इसलिए आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से ब्रेक्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े कम ब्रेक्स लिए हैं, क्योंकि अगर मैं और ज़्यादा ब्रेक्स लेती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने थोड़े कम ब्रेक्स लिए हैं। बट आपको डेफिनेटली इससे थोड़ा ज़्यादा ब्रेक लेना है और ब्रीदिंग प्रॉपरली करनी है। जब आप नीचे जाएंगे तब आपको ब्रीद इन करना है, और जब आप ऊपर आएंगे तब आपको ब्रीद आउट करना है। याद रखिए नीचे जा रहे हैं, ब्रीद इन करिए, अपने कोर को ब्रेस करिए, मतलब उसी पोजीशन में रखिए जब आप पूरी तरह ऊपर आ जाते हैं, उसके बाद में ब्रीद आउट करना है। आपको अपने एक्सरसाइज के बीच में ब्रीदिंग नहीं करनी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमें अपने जो एब्स हैं उनको अंदर स्क्वीज करके रखना है। अगर आप ब्रीदिंग बीच में करते रहेंगे तो वो जो एब्स हैं उनमें जो टाइटनेस है वो चली जाएगी, इसलिए हम वो नहीं चाहते हैं। और हाँ, आपको नाक से सांस लेना है और मुंह से आपको सांस बाहर छोड़ना है। जब आप ब्रीद आउट करेंगे तो आपको थ्रू योर माउथ करना है। नेक्स्ट हमारी है प्लैंक शफल। इसे करने के लिए अपने हाथों को शोल्डर विड्थ से थोड़ा वाइड रखिए, वैसे ही प्लेस कीजिए फ्लोर पे, और एक साइड में लाइए अपने हैंड्स को, दूसरी साइड लेके जाइए, फिर उसी तरह से बीच में लाइए और दूसरी साइड लेके जाइए। इस तरह से हमें 6 times हर साइड पे जाना है। याद रखिए 6 reps ईच साइड हैं और हमें एक्सरसाइज के 2 sets करने हैं। और आपकी ये जो आर्म है, जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, आपकी जो आर्म है वो ग्राउंड के बिल्कुल परपेंडिकुलर रहनी चाहिए, मतलब फ्लोर से 90 degree के एंगल पे रहनी चाहिए। चलिए अपना फर्स्ट सेट हम शुरू करते हैं।
इसका मॉडिफिकेशन देख लीजिए। मॉडिफिकेशन में आपको नी आप फ्लोर पे लगा सकते हैं और उसके बाद की जो टेक्निक है वो बिल्कुल सेम है। अपनी जो आर्म है ग्राउंड के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे आपको रखने हैं। ये शोल्डर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और आपके कोर के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इन वर्कआउट्स में जो भी एक्सरसाइज हैं वो सारे कंपाउंड मूव्स हैं, बेसिक मूव्स हैं जो आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। हमारा फर्स्ट सेट कंप्लीट हो चुका है, बीच में थोड़ा ब्रेक लीजिए। आपकी बॉडी जो है वो एक लाइन में रहेगी, अपने हिप्स को बहुत ड्रॉप नहीं करना है, बहुत ऊपर भी उठा के नहीं रखना है, बिल्कुल एक लाइन में रखना है न्यूट्रल पोजीशन में। और उसी तरह से साइड टू साइड आपको शफल करना है। अपने एब्स को स्क्वीज करके रखिए थ्रू आउट और ब्रीदिंग करते रहिए। ब्रीदिंग आपको नहीं रोकनी है, याद रखिए। आपको नाक से सांस लेना है या मुंह से भी सांस ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सांस छोड़ना है, जब आप ब्रीद आउट करना है तो आपको मुंह से करना है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा और उससे जो हमारी जो कैलोरी बर्न का रेट है उससे इंक्रीज होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी शोल्डर ओवरहेड प्रेस। इसके लिए आपको अपने बॉडी की लाइन में अपने आर्म को उठाना है और जो बॉटल है उसको ऊपर बिल्कुल लेके जाना है, और बिल्कुल जब टॉप पे बॉटल होगी आपकी तो आपको अपने शोल्डर को यहाँ पे स्क्वीज करना है एक बार एक सेकंड के लिए और फिर नीचे आना है। चलिए अपना फर्स्ट सेट शुरू करते हैं। अपने दोनों हाथों में अपने वेट्स ले लीजिए, ऊपर उठाइए। आपके पाम्स जो हैं वो फ्रंट फेस करेंगे, इस तरह से पूरा ऊपर लेके जाना है और पूरा नीचे लेके जाना है। दोनों ही सिचुएशन में टॉप में और डाउन में आपको अपने शोल्डर को स्क्वीज करना है। मॉडिफिकेशन में जैसे आपने देखा कि आप अगर आप खड़े होकर करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है तो आप बैठ के कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको मॉडिफिकेशन में दिखाया था, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप स्टैंडिंग पोजीशन में करने की कोशिश करें। मतलब आपके जो एम है वो मॉडिफिकेशन से हटके आपका जो मेन वर्कआउट जिस तरह से मैं कर रही हूँ, दैट शुड बी योर एम। ये हमारा सेकंड सेट है ओवरहेड प्रेस का। देखिए मैं साइड से जैसे दिखा रही हूँ, आपको अपने बॉडी की लाइन में अपने आर्म को रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी रहेगी, बॉडी मूव नहीं करनी है, सिर्फ आपको अपने शोल्डर पे ये मूवमेंट करना है। इससे आपके जो शोल्डर मसल्स हैं वो ट्रेन होते हैं और जो आपके जो एक अच्छी सी कैप होती है शोल्डर पे वो इससे डेवलप होती है, जिसे हम डेल्टॉइड मसल कहते हैं। और उससे जो आपके जो आप एज के साथ जो हम मसल लूज़ करते हैं, अपनी शेप जो हम खोने लगते हैं, वो आप दोबारा से अचीव कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट सेट की तरफ, अगेन ऊपर उठाइए, स्क्वीज कीजिए, नीचे लाइए, मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन अपना यूज़ कीजिए, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ऊपर लेकर जाइए। और हाँ, नीचे बहुत ज़्यादा देर तक रुकना नहीं है, उससे क्या होता है कि आपके मसल की जो टेंशन आप बना रहे हैं अपना वर्कआउट कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए रिलीज हो जाती है, हमें वो नहीं चाहिए। नीचे बहुत ज़्यादा नहीं रुकना है, ऊपर हल्का पॉज ज़रूर देना है, नीचे से आपको इमीडिएटली ऊपर पुश करना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हमारी ऑल्टरनेटिव बैकवर्ड लंज। बैकवर्ड लंज जो होती है वो फ्रंट लंज से थोड़ी ईजी होती है। इसके लिए आपको एक बॉडी स्ट्रेट रखनी है, एक वाइड स्टांस पीछे लेना है और उसी पोजीशन में नीचे बैठना है। याद रखिए आपका जो फ्रंट नी का एंगल 90 डिग्री रहेगा, बैक नी का भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री रहेगा और उसी पोजीशन में आपको ऊपर उठना है। मॉडिफिकेशन में आप ये सपोर्टेड कर सकते हैं, अगर बैलेंस आपके लिए थोड़ा इशू है तो आप एक हाथ में वेट लेकर सपोर्ट लेकर आप ये ऑल्टरनेटिव लंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अपना फर्स्ट सेट हम कर रहे हैं और याद रखिए यहाँ पे आपका जो फ्रंट लेग का जो नी है वो आपके टोज की लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। तो इसके लिए एक टिप है कि आप
जितना लंबा स्टांस पीछे ले सकते हैं उतना लंबा स्टांस पीछे लीजिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है लेकिन बहुत कम भी नहीं लेना है। जैसे ही आपका जो बैकवर्ड नी है आपके फ्लोर को टच करेगा उसी दौरान आपको ऊपर उठना है, उसको बहुत देर तक टच, बहुत ज़ोर से नहीं लगाना है वहाँ पे। और एक बात और ध्यान रखने की, जो नी है आपका थोड़ा सा आउटवर्ड रखने की कोशिश कीजिए, ये इनवर्ड नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा आउटवर्ड ही रखना चाहिए, मतलब जो आपका फ्रंट नी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, अंदर की तरफ रोटेट नहीं होना चाहिए कभी भी। तो इसके लिए एक टिप है कि वो अंदर की तरफ रोटेट ना हो, आप ये कॉन्सेंट्रेट करिए कि उसे बाहर की तरफ थोड़ा सा रोटेट करके रखें। उससे क्या होगा, वो रोटेट तो नहीं होगा लेकिन अंदर रोटेट होने की जो टेंडेंसी है वो आप प्रिवेंट कर पाएंगे। सिक्स रेप्स आपको ईच लेग में परफॉर्म करने हैं, ब्रीथ आउट मुंह से करना है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। हमारा लास्ट सेट है ऑल्टरनेटिव लंजेस का। वाइड स्टांस पीछे लीजिए, नीचे झुकिए, जैसे ही नाप का नी फ्लोर को टच करेगा उसी वक्त इमीडिएटली आपको ऊपर उठना है, उसी पोजीशन में नीचे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहना है, टच करते ही आपको ऊपर उठना है। टच अगर नहीं भी हो पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि जो आपका फ्रंट लेग का जो नी है वो टोज को क्रॉस ना करे, बस ये आपको ध्यान रखना है। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, बॉडी को बहुत फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है, बॉडी को मैक्सिमम स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी चेस्ट प्रेस। इसे परफॉर्म करने के लिए अपनी वेट पहले ले लीजिए क्योंकि ये लाइंग पोजीशन में है, लाइंग पोजीशन में चले जाइए। अपने वेट्स उठा के आपको बिल्कुल अपने चेस्ट के ऊपर स्क्वीज करना है, चेस्ट के टॉप पे लेके जाना है, जहाँ आपका चेस्ट है उसकी लाइन में लेकर जाना है आपको अपने वेट्स को, उससे पीछे या आगे नहीं लेके जाना है, नहीं, नो, ओके। तो अपने वेट्स उठाइए, ऊपर की तरफ प्रेस करिए, चेस्ट के बिल्कुल ऊपर टॉप पे स्क्वीज करिए अपने चेस्ट मसल्स को और नीचे लेकर आइए। नीचे लाने में आपके जो आर्म है और आपके बॉडी के बीच का एंगल 90 डिग्री से थोड़ा कम रहेगा, उतना आपको एंगल रखना है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं करना है एल्बोज को और बॉडी के बहुत पास भी नहीं रखना है। इस तरह से आपको 10 रेप्स परफॉर्म करने हैं। याद रखिए अपने अगर चेस्ट मसल को आप स्क्वीज नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो फिर उतनी इफेक्टिव ये एक्सरसाइज नहीं होगी, इसलिए याद रखिए जैसे ही आपका जो आर्म है वो फ्लोर को टच करेगा उसी वक्त ऊपर उठना है। ऊपर उठकर आपको चेस्ट मसल को स्क्वीज करना है, आर्म को टच करना है फ्लोर पे और ऊपर उठना है। याद रखिए टच ज़रूर करना है आपको फ्लोर पे, क्यों, क्योंकि फुल रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करना है मूवमेंट, फुल रेंज ऑफ मोशन में ही करने से आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। यहाँ भी आपको जब आप ऊपर टॉप पे स्क्वीज करेंगे तब आपको ब्रीद आउट करना है, नीचे लेकर जाएंगे तो आपको ब्रीद इन करना है। अपने एब्स को हमेशा मैक्सिमम एक्सरसाइजेस में आपको टाइट ही करके रखना है। ये एक्सरसाइज आपके चेस्ट मसल्स के लिए होती है जो उन्हें स्ट्रांग बनाती है। और याद रखिए आप अपने अपर बॉडी को जितना वाइड, अपने शोल्डर्स और बैक, अपर बैक और चेस्ट को जितना आप वाइड कर पाएंगे
उसके कंपैरिजन में आपकी जो वेस्ट है उतनी ही स्लिम लगेगी। नेक्स्ट है हमारी रोज़, जो हमारे बैक मसल्स के लिए, बॉडी स्ट्रेट रहेगी यहाँ पे, और आपको अपने नी पे अपना जो पैरों के बीच का डिस्टेंस है वो शोल्डर विथ डिस्टेंस रहेगा, और आपको अपने हिप को पीछे थोड़ा सा बेंड करना है, और आपका नी भी सॉफ्टली बेंड रहेगा। अपने वेट्स को इस तरह से पकड़ना है और अपने बॉडी की तरफ पुल करना है, और आपके आर्म्स जो हैं वो बॉडी के पास रहेंगे, जितना पास रह सकते हैं। देखिए, अपने वेट्स को इस तरह से होल्ड करना है, बिल्कुल अपने शोल्डर विथ के डिस्टेंस में, उससे ज़्यादा नहीं, ताकि आप बिल्कुल पास रोज कर सकें। आपकी जो आर्म्स हैं आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगी, बिल्कुल पास ही रहेंगी, मतलब आपके एल्बोज बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं होने चाहिए, यहाँ पे वहीं रहने चाहिए, और बॉडी थ्रू आउट स्टेबल रहनी चाहिए, बिल्कुल ऊपर नीचे मूव नहीं करना है। बॉडी स्टिफ, एब्स टाइट, एंड पुल द वेट टूवर्ड्स योर स्टमक। यहाँ पे भी हमें 10 रेप्स के 3 सेट्स करने हैं। बीच में ब्रेक ले लीजिए, अगर आपको प्यास लगी है थोड़ा पानी पी लीजिए, और ब्रीदिंग कंटिन्यूसली करते रहिए। अगेन होल्ड योर वेट क्लोज टू योर बॉडी, बेंड डाउन, हैव अ सॉफ्ट बेंड एट योर नी। सॉरी, मैं हिंदी में बोलना चाहती हूँ तो इसलिए बिल्कुल रोज में आपको अपनी बॉडी के बिल्कुल पास में मूव करना है, अपने बॉटल्स को दूर नहीं लेके जाना है, और बॉडी स्टिफ स्टेबल। हमारा लास्ट रेप है रोज़ का। रोज़ करने से आपके जो बैक मसल्स हैं उनको टारगेट करते हैं रोज़, जिससे आपके बैक मसल्स, अपर बैक स्ट्रेंथन होती है, टोन होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एंकल टच क्रंचेस। ये थोड़ी सी आपको नई लगी होंगी, बट इसमें बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको सीधे लेट जाना है। आपका जो बॉडी है स्ट्रेट रहेगा, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होना चाहिए, और अपने एंकल्स को टच करना है अपने हाथों से, और अपने हाथों को पीछे फैलाना है, लेग्स को पीछे फैलाना है। मॉडिफिकेशन में आप लेग्स को पूरा सीधा मत फैलाइए, सिर्फ फ्लोर पे टैप करिए और फिर से एंकल को टच कीजिए। लेकिन हमारी जो नॉर्मल एक्सरसाइज है उसमें अपने लेग्स को स्ट्रेट ही रखना है एयर में, उसमें आपको फ्लोर पे टैप नहीं करना है। ये हमारे अपर और लोअर एब्स दोनों में एक साथ वर्क करती है। जब आप क्रंच करेंगे, एंकल्स को टच करेंगे, बिल्कुल स्क्वीज करना है एब मसल्स को, और एक सेकेंड का पॉज देना है। और एब्स में स्पेशली हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए ट्रेन करते वक्त कि स्लो मूवमेंट प्रेफर करना चाहिए फास्ट की बजाय। स्लो मूवमेंट करने से क्या होता है, आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होता है, उसका जो इफ़ेक्टिवनेस होती है बहुत ज़्यादा होती है, रादर देन जब हम फास्ट मूवमेंट करते हैं। इसलिए स्पेसिफिकली एब्स ट्रेन करते वक्त आप स्लो एक्सरसाइज कीजिए, स्लो मूवमेंट कीजिए, उसे कॉन्ट्रैक्शन को फील करिए, पॉज दीजिए, और उसके बाद पीछे आइए। यहाँ पे भी हमें 10 रैप्स के 3 सेट्स करने हैं। और ब्रीदिंग पैटर्न यहाँ पे, जब आप क्रंच करेंगे, मैक्सिमम क्रंच्ड पोजीशन में आपको ब्रीथ आउट करना है, मतलब यहाँ पे आपको ब्रीथ आउट करना है, यहाँ पे ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, इस तरह से आपको करना है। जब आप मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शंस में आपकी एब्स होंगी तो ब्रीथ आउट करना है, मतलब आपको स्टमक से अपना पूरा एयर निकाल के पूरी तरह से स्टमक को अंदर स्क्वीज करना है, ये मतलब है आपको ब्रीथ आउट करने का। तो ये हमारा वर्कआउट यहाँ कंप्लीट हो जाता है।
इस वर्कआउट में हमने फुल बॉडी के सभी मेजर मसल ग्रुप्स को टारगेट किया है और आई होप आपको टेक्निक अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वर्कआउट। इस वर्कआउट को करने से पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि प्लीज वार्म अप कर लीजिएगा और जैसे मैंने टेक्निक्स बताई है उन्हीं टेक्निक को फॉलो कीजिएगा। और हाँ, जो आपको कार्डियो सेशन करना है ट्यूसडे को, वो आपकी चॉइस का कोई भी कार्डियो हो सकता है, चाहे वो स्टेडी स्टेट वॉकिंग हो, डांसिंग हो, जूम्बा हो या फिर जॉगिंग हो, इट्स टोटली अप टू यू। अपनी चॉइस का कोई भी एक कार्डियो सेशन पिक करिए और उसे करिए प्लीज। और अगर आप चाहते हैं मेरा कोई वर्कआउट फॉलो करना, तो मैं भी ऑलरेडी एक कार्डियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो इसलिए आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी एक कार्डियो सेशन चूज करके उसे करिएगा। और वेंसडे का जो वर्कआउट है वो मैं ट्यूजडे को रात तक अपलोड कर दूंगी, तो प्लीज उसे मिस मत करिएगा। और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपके सजेशंस हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कुछ टाइमर इंक्लूड करना है या कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं तो मैं जरूर करूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज स्टे वर्किंग।